नमस्कार, मैं आदित्य सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ मूव मीडिया पे। एक नजर दिन भर इंडिया पर। अन्य चिकित्सा सुविधाओं की सहायता के लिए भेज रहा है और कोविड की दूसरी लहर से लड़ने के लिए अन्य राष्ट्रों से ऑक्सीजन कंटेनरों की लाने के प्रयासों में शामिल हो गया है। मोदी ने नौसेना द्वारा की गई सभी कोविड संबंधी पहल की समीक्षा के लिए सोमवार को नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह से मुलाकात की। मुजफ्फरपुर के बैरिया बस स्टैंड में कई बसों में भीषण आग लगने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चला। ये मामला अहियापुर थाने क्षेत्र के बैरिया बस पड़ाव का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में आज 4 मई 2021 को पत्रकार और उनके परिवार को मुफ्त कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने की घोषणा की। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पत्रकारों के लिए अलग टीकाकरण केंद्र स्थापित किया जाएगा। राज्य सरकार ने मीडिया हाउस के अंदर कोविड 19 टीकाकरण केंद्र स्थापित करने की भी घोषणा की। आपको बता दें कि इससे पहले भुवनेश्वर में भी पत्रकारों के लिए टीकाकरण मुफ्त किया गया। उत्तर प्रदेश ने अब तक 1.03 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.